टॉप 4 बेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट स्मार्टफोन्स अंडर 12,000 रुपीज। सो हे दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ में कोई अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ चुका हूँ ऐसे 4 कमाल के तगड़े स्मार्टफोन, जहाँ पर ना केवल आपको अच्छी और तगड़ी स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है, बल्कि बेहतरीन डिज़ाइन भी होगा, अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले, अच्छी क्वालिटी के कैमरास आपको मिल जाएंगे। और तो और भाई, अगर आप मल्टीमीडिया के लिए भी कोई फ़ोन लेना चाहें तो आप यहाँ पर इन स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इसी के साथ में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस वीडियो में हमने जितने भी स्मार्टफोन्स को पिक किया हुआ है, सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको आज के इस वीडियो के व्यू प्रोडक्ट वाली सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाकर के उन्हें वहां से चेकआउट और परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूज़र्स की जिनका बजट लगभग 10,000 रुपये का है और उन्हें यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ में कोई अच्छा सा स्मार्टफोन लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी का 10। ये फोन आपको डिज़ाइन और बिल्ड के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक बड़ी सी HD+ की IPS LCD पैनल, लगभग 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 63Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर वाइट बाय एलमर का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन कॉन्टेंट वगैरह भी स्ट्रीम कर सकते हैं। तो डिस्प्ले बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर दिया गया। वैसे आपको यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। सेल्फी की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। आउटपुट की बात करें तो आपको यहाँ पर डिसेंट आउटपुट भी मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट, और ये चिपसेट इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 2 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस बजट के हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छे स्कोर्स हैं। तो आपको यहाँ पर डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में कोई शिकायत नहीं आती है। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4 इसकी रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी दिया गया है, तो फोन की परफॉर्मेंस से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे दोस्तों, पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000mAh का बड़ा सा बैटरा भी मिलेगा, साथ ही में 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर ले तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन, और हाँ दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 के MIUI 12। बहुत जल्द आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 भी देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो फोन अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 4GB रैम प्लस 2GB की वर्चुअल रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे इस समय लगभग 9,500 रुपए पर। दोस्तों, बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन आपको मिल रहा है 8,499 रुपए की प्राइस पर। 10,000 रुपए के अंदर देखेंगे तो काफी कमाल का पैकेज है। बड़ी डिस्प्ले आपको मिल जाती है, अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है, लंबी चलने वाली बैटरी भी आपको मिल जाती है, सो आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले फोन की। तो अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो का G42। तो अगर आप यहाँ पर मल्टीमीडिया के लिए कोई अच्छा सा फोन लेना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन इस बजट के अंदर आने वाला काफी कमाल का पैकेज है। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के काफी अच्छे दिए गए। वैसे हल्के फुल्के वाटर और डस्ट के प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.4 इंचेस की एक फुल HD+ वाली AMOLED की पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 700 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट, सो डिस्प्ले आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास दिए गए, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 680 का 4G चिपसेट, जो कि दोस्तों इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है। लगभग आपको यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास अंततः स्कोर निकाल कर दे देता है, सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला आपको यहाँ पर स्टोरेज भी दिया गया है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 20W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स,
हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली और बहुत ही जल्द मिल जाएगा। सो मल्टीमीडिया के लिए कम बजट के अंदर देखेंगे तो बहुत अच्छा पैकेज है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपये। और सो दोस्तों लो बजट के अंदर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा वेल बैलेंस्ड और काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर पैकेज है मोटोरोला की तरफ से। जिन्हें स्टॉक यूआई के साथ में एक अच्छा सा मल्टीमीडिया पैकेज लेना है तो वो इस स्मार्टफोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं आप ओन यूजर्स की, जिन्हें अच्छी खासी परफॉर्मेंस और अच्छे कैमराज भी चाहिए और तो और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ में उन्हें कोई अच्छा फ़ोन लेना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो का T1X। बजट के अंदर आने वाला काफ़ी अच्छा फ़ोन है, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, बिल्ड क्वालिटी फ़ोन की अच्छी है और डिज़ाइन भी फ़ोन का आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। वहीं पर इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ ही में अप टू 500 निट्स तक की ब्राइटनेस, पेंटा ग्लास का सपोर्ट, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जहाँ पर आपको सैमसंग का JN1 वाला सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगा हुआ है। सेल्फी के लिए आपको यहाँ पर मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर और कैमरा परफॉर्मेंस फोन की काफी अच्छी है, डे लाइट वगैरह में अच्छे फोटोज आ जाते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड वगैरह जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 FPS। कैमरा परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट जो कि आता है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर और इस बजट के अंदर आने वाला ये काफी अच्छा चिपसेट है, साथ ही में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है, डिसेंट लेवल की गेमिंग करा देता है और तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है तो ये भी अच्छी बात है। और वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी मिल जाता है तो इस बजट में ये फोन आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है, 18W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्प और लाउड है, साथ ही में ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है और ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर जहां पर आपको मिलता है फनटच OS 12। सो देखा जाए तो फोन ये भी अच्छा है, अगर आप इस पे इंटरेस्टेड हैं कैमरा वगैरह के लिए लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4GB रैम प्लस 2GB की वर्चुअल रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपये, बट दोस्तों बैंक ऑफर पर ये फोन आपको 11,000 रुपये की प्राइस पर मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी फोन की तरफ और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वैसे तो इस फोन के अंदर आपको काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिलती है और ये स्मार्टफोन लगभग 13,000 से 13,500 रुपये की प्राइस पर मिलता है, बट अभी ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 12,000 रुपये की प्राइस पर मिल रहा है और ये फोन यहाँ पर रेडमी का नोट 11। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। वहीं पर फोन के डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई 6.43 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली AMOLED की पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 1000 निट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 4 कैमरास जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। और वहीं पर अगर हम स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट जो कि आता है 6nm की फैब्रिकेशन पर, लेकिन आपको इस बजट के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अंतुतु की बात करें तो लगभग 2,75,000 के आसपास ये स्मार्टफोन स्कोर कर जाता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती है, साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर स्मार्टफोन के पावर हाउस की बात कर लें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 33W चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉड्यूल फोन का यहाँ पर अच्छा है। तो चलिए कुछ अदर फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन और दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर आता है, लेकिन एंड्रॉइड 12 का अपडेट बहुत ही जल्द इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। सो अगर आप यहाँ पर रेडमी की तरफ से कोई अच्छा सा स्मार्टफोन लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपये। बस जानता हूँ दोस्तों थोड़ा सा पुराना फोन है लेकिन अभी भी काफी कमाल का पैकेज है, सो आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस ये थे वो 4 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं इस समय लगभग 12,000 रुपये के अंदर और सभी के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिलेगा, तगड़ी परफॉर्मेंस दी गई है, अच्छी क्वालिटी के कैमरास वगैरह भी मिल जाते हैं। सो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा सभी के लिंक आपको आज की इस वीडियो के व्यू प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे तो आप जाकर के उन्हें वहां से चेकआउट और परचेस कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।